हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आभा कतरी आज आपके लिए को न्यू सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है घुघरा सैंडविच। ये अहमदाबाद की माणिक चौक के फेमस रेसिपी है। वैसे तो आजकल ये सभी जगह मिलने लगे हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी है और मैं आपको वही रेसिपी दूंगी जो ओरिजिनल माणिक चौक में बनाई जाती है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही क्विक रेडी होती है, कम सामान में रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आपको पसंद आता है तो एक छोटा सा लाइक मुझे जरूर दीजिए। तो आइए किचन में चलते और बनाते हैं वेरी टेस्टी घुघरा सैंडविच। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अहमदाबाद के माणिक चौक के फेमस सैंडविच, जिसका नाम है घुघरा सैंडविच। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम सामग्री में बनती है। तो उसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। उसके लिए मैंने 3 स्लाइस ब्रेड के लिए मैंने व्हीट ब्रेड ली है, आप मैदे की ब्रेड भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। फिर चीज़ की 2 क्यूब लिए मैंने अमूल चीज़ की। बटर लिया है मैंने 2 से 3 टेबल स्पून। कैप्सिकम लिया है एक बड़ा, उसे मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया। इसमें आप सब्जी एकदम बारीक चॉप कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ऑनियन लिया है बड़ा, उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। चिली फ्लेक्स लिया है 1/2 टेबल स्पून। ग्रीन चिली लिए मैंने 2, इसे भी एकदम बारीक चॉप कर लिए। अगर आपके बच्चे ग्रीन चिली नहीं खा सकते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। चटनी लिए जो सैंडविच के साथ हम बनाते हैं वो, सॉल्ट लिया है टेस्ट के अनुसार, और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला लिया है। तो सबसे पहले हम सैंडविच में भरने वाली स्टफिंग रेडी करेंगे। उसके लिए मैं ऑनियन ले लूँगी ज़रूरत के अनुसार, कैप्सिकम ले लूँगी। अब इसमें हमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करना है, रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। सब आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें ऐसा नहीं कि ये इतना ही डालना है प्रॉपर नाप से। थोड़ा चाट मसाला ऐड कर देंगे और स्टफिंग को हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसी में चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर से भी चीज़ डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमारी स्टफिंग रेडी है, अब हम सैंडविच असेंबल कर लेते हैं। मैंने ब्रेड की 3 स्लाइस ले लिए, 3 लेयर का बनेगा ये सैंडविच, इसलिए अब तीनों ब्रेड पर हम बटर अप्लाई कर देंगे। बटर इसमें अच्छे से लगाइएगा, ये तीनों उस पर लगा दूंगी मैं ब्रेड पे। ब्रेड पर हमें चटनी अप्लाई करनी है, ग्रीन चटनी, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, आप चाहे उतनी स्पाइसी कर सकते हैं चटनी को। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसमें ग्रीन चिली ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने चटनी भी अप्लाई कर दी है, अब जो स्टफिंग हमने रेडी की थी वो अप्लाई कर देंगे। 2 ब्रेड की स्लाइस पे हम कर देंगे अप्लाई, और इस पे हम नहीं करेंगे क्योंकि इसे ऊपर से हम कवर करने वाले हैं। और अब आती है लास्ट में चीज़ की बारी, इस पे हम चीज़ अप्लाई कर देंगे। बहुत ही चीज़ी होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये, और बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं, कोई गेस्ट आए तो भी आप बहुत ही जल्दी इसे रेडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चीज़ मैंने डाल दिया और ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे दोनों ही स्लाइस पे। अब थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे। हम ये सैंडविच तवे पे ही बनाएंगे, इसलिए मैंने तवा गरम करने रख दिया है। अब इस स्लाइस को हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से, एकदम अच्छे से सेट कर देना है हमें। और फिर ये वाली जो ब्रेड है इसे इसे कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर भी हम बटर अप्लाई कर देंगे। अब हम इसे सेक लेंगे तवे पे। तो जिस साइड हमने बटर लगाया था सैंडविच पे, उसे इस तरह से पलट कर रख देंगे और इसे सेक लेंगे हम एकदम धीमी आंच पर, जब तक ये क्रिस्पी हो जाए। अब इस साइड भी हम बटर अप्लाई कर देंगे, ऑन कर देंगे अच्छी तरह से दबाते हुए। अगर आप टोस्टर में करना चाहे तो टोस्टर में भी कर सकते हैं, इसे मैं टर्न कर दूंगी। अच्छी तरफ से हमारा सैंडविच कितना अच्छा हो गया, ब्राउन और एकदम क्रिस्पी हो चुका है, क्योंकि इसे हमने एकदम धीमी आंच पर सेका है। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कितना चीज़ी दिख रहा है सैंडविच, कितना टेस्टी और अच्छा दिख रहा है।
अब ऊपर से मैं इसे चीज से गार्निश कर दूंगी। ये इसी तरह से मिलता है मार्केट में भी, ऊपर से थोड़ा इस पे चीज होता है। ये देखिए मैंने चीज डाल दिया है, और अब इस पे हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे। तो रेडी है हमारा अहमदाबाद के माणिक चौक का फेमस घुघरा सैंडविच। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, बनाने में बहुत ईजी है, खाने में बहुत टेस्टी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।